कर्नल अजय, कपास खली के साथ साथ बात करें यहाँ से अगर कपास की, तो MCX कॉटन को हमने 34,000 से सीधे 30-31,000 के लेवल्स पर भी आते हुए देखा है। ऊपर से अब खबरें निकल के सामने आई है कि कॉटन का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है, यानी कि जो वैश्विक उत्पादन है, उसके जो एस्टिमेशन है दिए गए थे पहले, वो थोड़े कम दिए गए थे, अब उनमें बढ़ोतरी की गई है, यानी कि प्रोडक्शन का जो आंकड़े हैं वो अब थोड़े ज़्यादा रह सकते हैं ग्लोबली, वैश्विक की जो उत्पादन है कॉटन का, और ऊपर से भारत में न्यू अराइवल्स भी हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कॉटन की कीमतें आगे क्या रह सकती हैं, क्या किसानों को अभी भी कॉटन में अच्छा मुनाफा मिल पाएगा? देखिए अखिलेश जी, कॉटन के अंदर आपने कहा कि जो उत्पादन के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल दर्शकों से भी है और सभी से है कि आंकड़ों के ऊपर आपका कितना महत्वपूर्ण विश्वास है। कॉटन के अंदर यदि आपने देखा होगा, सितंबर अक्टूबर के अंदर फ्रेश क्रॉप आती है, उस वक्त भी कॉटन के ऊपर बढ़ चढ़ कर आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, इतने लाख बेल्स हैं, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद कॉटन के अंदर लगभग 35-40% एक तरफा तेजी देखी गई थी। तो आंकड़ों का के ऊपर तो मेरा यही विश्वास, यही आपको कहना है कि आंकड़े आते हैं और आंकड़े आते रहेंगे, उन पे भी आप नजर रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कॉटन, यदि आपको याद होगा, लगभग 3-4 महीने पहले हमारे एक विशेष इंटरव्यू मार्केट टाइम्स में था, तो हमने यही कहा था कि कॉटन इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ द कमोडिटी। जो ये सफेद सोना है, ये सफेद सोना ही रहेगा, तो कोई बहुत बड़ी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कॉटन के अंदर हमें जो लगता है कि धीरे धीरे तेजी बनने की संभावना बनेगी, आज तो ये तेजी की रुख अख्तियार कर सकता है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसा कि हमारे एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी ने बताया कि कॉटन किसानों के लिए सफेद सोने से कम नहीं है, कॉटन किसानों के लिए सफेद सोना ही बनी है और आगे भी बनी रहेगी, तो कॉटन में घबराने की बात नहीं है। कर्नल अजय जी के मुताबिक कॉटन में यानी कपास में आगे तेजी है और जारी रह सकती है।